हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग एंड वंस अगेन वेरी वेलकम टू डेली डाइजेस्ट 2nd दिसंबर 2022। करंट अफेयर्स के सीरीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अगले कुछ ही मिनटों में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 20 क्वेश्चंस जो नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स अफेयर्स पे आधारित होगा। आज से एक नई बदलाव भी हुई है, प्रश्न आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यमों में दिखेगा। आप में से कुछ स्टूडेंट्स के कमेंट्स में पढ़ रहा था जहां पे आपने डिमांड किया था कि सर ऑप्शन को भी इंग्लिश में रखना है, तो आज से आपको वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और सेशन की शुरुआत थॉट ऑफ द डे के साथ। क्या है आज का थॉट? जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता, हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। जी हाँ साथियों, जीवन में हम और आप अपने अनुभवों के आधार पर कई सारी ऐसी चीजें जिसको अस्थाई मान लेते हैं, परमानेंट समझते हैं, और जब वो चीजें हमें हासिल नहीं होती है या वो चीजें जब टूट जाती है तो हमें ऐसा महसूस होता है कि इसके बाद जीवन में और कुछ भी शायद नहीं बचा हुआ है। लेकिन भरोसा रखिए कि इस जीवन में हमेशा जब एक चीजें खत्म होती है तो प्रकृति नेचर आपके लिए दूसरी चीजें तैयार रखती हैं। आवश्यकता है केवल अपने इरादों को बुलंद रखने का और अपनी सोच अपने विचार को हमेशा सकारात्मक रखने का। आप जीवन में हमेशा सफल होंगे, हमेशा नई ऊंचाई की ओर बढ़ेंगे, हमेशा आपके जीवन में नई शुरुआत होगी। सेशन की शुरुआत, पहला सवाल है मानसिक स्वास्थ्य सामाजिक देखभाल नीति, मेंटल हेल्थ एंड सोशल केयर पॉलिसी, इसकी घोषणा करने वाला राज्य पूरा उत्तर पूर्वी राज्य कौन बन गया है? तो यह मेघो के राज्य मेघालय से न्यूज है। मेघालय उत्तर पूर्व का पहला ऐसा राज्य जिसने मेंटल हेल्थ और सोशल केयर पॉलिसी को डिक्लेयर किया है। शिलोंग कैपिटल सिटी है, कोनार्ड सांगमाया के सीएम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2022 महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना यानी कि मनरेगा में सुधार के लिए गठित पैनल के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? पंचायती राज और ग्राम विकास मंत्रालय के अंतर्गत गठित इस पैनल में अमरजीत सिन्हा को अध्यक्ष बनाया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिख रहे हैं। अगला प्रश्न होगा, समन्वय 2022 किस सशस्त्र बल द्वारा आयोजित एक मानवीय सहायता और आपदा राहत अभ्यास है? इट इज अ ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंट डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया है? तो इंडियन एयरफोर्स के द्वारा इसका आयोजन किया गया, इसमें समन्वय 2022 का, और इस अभ्यास में आसियान देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है, अगली प्रश्न की ओर पढ़ेंगे। भारत और किस देश के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौतों को 2 दिसंबर 2022 से लागू होना है, 1 दिसंबर से अप्रूव हो गया है। ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच में ये व्यापार समझौता हुआ जहां पे जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उसकी ओर दोनों देश बढ़ रहे हैं, यानी कि दोनों देशों में किसी भी प्रकार का ट्रेड बैरियर आने वाले वर्षों में नहीं लगेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2018 से 20 के बीच में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में मातृत्व मृत्यु दर मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है? साथियों, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट बेसिकली उस रेट को कहते हैं जहां पर 1 लाख जीवित जन्म देने के दौरान, लाइफ बर्थ देने के दौरान जो माताएं होती हैं वो मैटरनल कॉम्प्लेक्सिटी के कारण जिनका डेथ हो जाता है, हाँ, तो उस आंकड़े पर आधारित है। और यह डेटा है 97, यानी कि प्रति 1 लाख जीवित जन्म पे 97 महिलाएं हैं जिनका डेथ होता है, यह आंकड़ा सामने आया है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा जारी की विशेष रिपोर्ट में। नेक्स्ट है, हरिमौन या फिर हरिमौ शक्ति 2022 एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, इसका आयोजन भारत और किस देश के मध्य किया जाता है? तो स्पष्ट जानकारी, इसका आयोजन भारत और मलेशिया के बीच में होता है। मैं यूट्यूब चैनल पे एक ऐसा सीरीज लेकर के आ रहा हूं जहां पर जितने भी महत्वपूर्ण युद्धाभ्यास है उन सब के बारे में आपको जानकारियां उपलब्ध करा दूंगा। आगे बढ़िए, मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइन का विलय किया जाएगा? यह मार्ग भी जो है वो अप्रूव हो गया है और टाटा सन्स के द्वारा ही अभी दोनों कंपनियों को ऑपरेट किया जा रहा है। आपको जानकारी होगी एयर इंडिया भी यही चला रहा है, उसी की ऑन कंपनी है, और विस्तारा भी, इन दोनों को मर्ज कर दिया जाएगा, मिला दिया जाएगा, यह भी जानकारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट है, भारत अमेरिका के बीच संयुक्त युद्धाभ्यास जिसका नाम है युद्धाभ्यास 2022 किस राज्य में आयोजन इसका किया गया है? तो इसका आयोजन रिसेंटली हुआ है
उत्तराखंड में और युद्धाभ्यास का यह 18वां संस्करण है, 18th एडिशन है। प्रश्न संख्या 9, विश्व बैंक के माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट रिपोर्ट के अनुसार भारत में अपेक्षित प्रेषण यानी कि एक्सपेक्टेड रिमिटेंसेस फ्लो क्या है, 2022-23 में विदेश से भारत के अंदर कितने पैसे भेजे गए हैं। तो इसका सही रिपोर्ट है कि इट्स अराउंड $100 बिलियन, इतने पैसे विदेश से भारत के अंदर भेजा गया है और रिमिटेंसेस प्राप्त करने में भारत दुनिया का नंबर वन कंट्री है। आपको जानकर आश्चर्य होगा स्टूडेंट कि देश में 40% जो विदेशी आय प्राप्त होता है वो केवल भारत के 4 राज्यों से है, तमिलनाडु, कर्नाटका, केरल और आंध्र प्रदेश, हाँ इन राज्यों से ही प्राप्त होता है। माने कि दक्षिण भारत के राज्य से अधिकांश लोग विदेश में रोजगार के लिए रह रहे हैं, अच्छे पदों पे काफी महत्वपूर्ण वो इनकम वहां पर कर रहे हैं। नेक्स्ट है, जुलाई से सितंबर तिमाही के लिए नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस NSO के द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत की GDP वृद्धि दर कितना दर्ज किया गया है। तो यह आंकड़ा है 6.3% का, ऑप्शन नंबर सी। आगे सवाल है, दिसंबर 2022 में निम्नलिखित में से किस राज्य में अंतर्राष्ट्रीय लुसोफोन महोत्सव का आयोजन किया गया है। तो इसका आयोजन गोवा के अंदर हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। प्रमोद सावंत ने इसका इनॉग्रेशन किया है और कल्चरल मिनिस्टर मीनाक्षी लेखी, विदेश राज्य मंत्री इत्यादि सभी लोग उपस्थित थे। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस भारत सरकार द्वारा किस देश में 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर की वित्तीय सहायता प्रदान की है। भारत ने 100 मिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस देने की घोषणा किया है मालदीव को। आप में से कई बच्चे श्रीलंका सोच रहे होंगे लेकिन ये मालदीव है, भारत का उसके साथ भी काफी अच्छे संबंध है। निम्नलिखित में से किसने UPSC के सदस्य के रूप में अपने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण किया है। राष्ट्रपति के द्वारा इनकी नियुक्ति होता है, प्रीति सुदन इज एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे बढ़ेंगे और अध्यक्ष इसके कौन है, तो अध्यक्ष आपको पता होगा यूपीएससी के मनोज सोनी है, तो यह भी जानकारी रखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ेंगे, अगला सवाल है, हाल ही में WHO ने एमपॉक्स निम्न में से किस बीमारी का नाम घोषित किया है। तो मंकी पॉक्स का नाम परिवर्तित करके उसे एमपॉक्स कर दिया गया है। नेक्स्ट है, निम्न में से किसे टर्फ 2022 में पैरा स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो यह नाम है अवनी लेखरा, ऑप्शन नंबर ए, और उन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला सवाल होगा, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2022 में गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीतने वाली आई हैव इलेक्ट्रिक ड्रीम्स नामक फिल्म किस भाषा में लिखी गई, किस भाषा की फिल्म है। उसमें यह स्पेनिश भाषा की फिल्म है जो कि दुनिया की चौथी सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है, ये चौथी नहीं, इट इज थर्ड मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज इन द वर्ल्ड। हाँ फोर्थ, तीसरे नंबर पे हमारा हिंदी हो गया, पहला इंग्लिश, दूसरा चाइनीज लैंग्वेज, थर्ड में हिंदी, उसके बाद है स्पेनिश लैंग्वेज, फोर्थ मोस्ट स्पीकिंग लैंग्वेज है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 17, हाल ही में किस देश ने पहली बार ऑस्ट्रेलिया को हराकर टेनिस डेविस कप 2022 खिताब को अपने नाम कर लिया। कैनेडा इज राइट आंसर। हाल ही में ऑर्मेक्स स्टार्स इंडिया लव की तरफ से निम्न में से किस भारतीय अभिनेत्री को मोस्ट पॉपुलर फीमेल स्टार का खिताब से नवाजा गया है। तो भारतीय अभिनेत्री हैं सामंता प्रभु और उन्हें सम्मानित किया गया, साउथ इंडियन सिनेमा के एक्ट्रेस हैं, उन्हें सम्मानित किया गया है। 23वें हॉर्नबिल फेस्टिवल 2022 हर वर्ष नागालैंड में ही होता है, तो इस वर्ष भी नागालैंड में ही हुआ है। पुरुषों के विश्व कप में पहली रेफरी बनने वाली महिला कौन है, तो स्टेफनी काफार्ट बिकेम द फर्स्ट वीमेन जो कि फ्रांस से है, वो इन पुरुषों के फुटबॉल टूर्नामेंट में रेफरी के रूप में अपॉइंट की जाने वाली पहली महिला है। उसमें ये थे आज के करेंट अफेयर्स और मुझे पूरी जानकारी है कि ये करेंट अफेयर्स आपको बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, आप इसे अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। इस करेंट अफेयर्स को आप हमें सुबह 8 बजे की अनअकैडमी पे भी ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे मैं आपको पूरी डिटेल के साथ इन सभी करेंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं और वो भी क्लास एब्सोल्युटली फ्री है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे, फ्री क्लासेस में। तो स्टूडेंट फिलहाल इस सेशन में इतना ही और क्लास से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। ये सीरीज आपको कैसा लगता है, आप इसमें कितना सीख पा रहे हैं कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल पे नए हैं तो डोंट फॉरगेट टू डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल, इनको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लेना ताकि आपको लगातार इन्फॉर्मेशन जानकारियां मिलती रहे। थैंक यू।